चमत्कारी कछुए के बारे में तो आप खूब सुना होगा, लेकिन क्या आपने दो सिर वाले कछुए के बारे में सुना है? आपको बता दें कि दो सिर वाले कछुए कम ही पाए जाते हैं। ऐसे में जब किसी दो मुंह वाले कछुए का जन्म होता है तो वो किसी चमत्कार से कम नहीं माना जाता। ऐसा ही कुछ मलेशिया के माबुल द्वीप पर हुआ, जहां दो सिर वाला एक कछुआ जन्मा है, जो वहां के लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ था। लेकिन जन्म के कुछ दिनों बाद ही उसने दुनिया को अलविदा कह दिया। रिपोर्ट की माने तो वो कछुआ 15 जुलाई को मावल पर पाया गया। हाल ही में उस स्थान पे 90 से अधिक हरे कछुओं ने जन्म लिया है। उस स्थान के संरक्षण का कहना है कि दो सिर वाला कछुआ बेहद ही आकर्षक था। वो अपने दाहिने सिर से अगले दाहिने पैर को कंट्रोल करता था। वाकई बेहद शानदार था, लेकिन अपने जन्म के कुछ दिन बाद ही वो इस संसार को छोड़कर चला गया। कछुआ पालन केंद्र के एक अन्य अधिकारी का कहना है कि करीब 13,000 कछुओं ने वहां जन्म लिया, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ कि दो सिर वाला कछुआ पाया गया, लेकिन कुछ समय बाद ही उसका बुलावा आ गया। कहा जाता है कि दो सिर वाले कछुओं को ज्यादा दिनों तक जीवित रहना बहुत कम ही हो पाता है। इससे पहले भी मलेशिया के पूर्वी तट के एक द्वीप पर 2014 में दो सिर वाला कछुआ मिला था, लेकिन वो भी सिर्फ 3 महीने तक ही जीवित रहा। जब कछुए की बात आती है तो ये भी कहा जाता है कि कछुआ सुख समृद्धि और पैसों का प्रतीक होता है। जब भी हम इसको अपने पास रखते हैं तो इससे हमारी धन में वृद्धि और सुख शांति में वृद्धि होती है। खैर, नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से ज्योति की रिपोर्ट।